हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। एक क्लास फिफ्थ है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट पेज, चैप्टर का सेकंड पेज, ओके। इसमें दिया है जॉयस्टिक। तब जैसे जानते हैं कि जो जॉयस्टिक होता है ये क्या होता है, ये सिमिलर ऑफ अ माउस, ये माउस की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, ये होता है माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज़ हम क्या किसमें करते हैं, प्लेइंग कंप्यूटर गेम, इसका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, ओके। हमारा सेकंड है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जैसे हम क्या बोलते हैं MICR। तो MICR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बैंक्स, इसका जनरली यूज होता है बैंक में, ओके। बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर्स ऑफ, तो लार्ज नंबर होते हैं उनको क्या करना होता है, उसको चेक करने के लिए, मतलब उसमें वर्क जितना होता है उसको क्या करता है, ये प्रोसीड एवरी डे, ये हर उसको क्या करता है, रोज़ के रोज़ को क्या करता है, उसके वर्क को काउंट करता है, कितना वर्क हमारा हो रहा है, लार्ज नंबर को काउंट करके बताता है। ये क्या होता है, बार कोड रीडर। जैसे आप जानते हैं कि बार कोड रीडर क्या होता है, जैसे हम पेपर देने जाते हैं हमें देखा है हमें क्या मिलती है, ये बारकोड रीडर होता है, ये डिवाइस को क्या होता है, एक रीडिंग होती है जिसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, कुछ अंडरलाइन से बनी होती हैं। तो क्या करते हैं, हम बारकोड रीडर एक लाइट की तरह होती है, जैसे ये बना हुआ है, इसकी जब लाइट पड़ती है उस मतलब चिट पे, तो उसमें जो भी मैटर टाइप होता है वो क्या होता है, बारकोड रीडर उसको रीड कर लेता है। ये कह दिया हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये क्या होता है, OMR जो स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड फॉर, जो OMR सीट आती है जिसमें हम वर्क करते हैं, हम क्या करते हैं, एक फोर सर्किल आते हैं गोल, जिनमें से क्या हम करते हैं, वन को कलर कर देते हैं ब्लैक कलर से, तो वो क्या होता है, ये बारकोड रीडर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, उस आंसर की को उसमें डालते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं, लिया मार्क मेड बाई पेन एंड पेंसिल जो करते हैं उसको क्या करता है, वो कैच कर लेता है। एक होता है माइक्रोफोन भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड दैट वी देंट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है माइक्रोफोन। ये वेब कैमरा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेब कैमरा है। इसे क्या यूज़ करते हैं, इससे हम कम्युनिकेशन, दूसरे पर्सन से बात करने के लिए हम क्या करते हैं, वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर कंप्यूटर में पहले यूज़ होता था, अब तो लगभग हर हम देख लेते हैं कि लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, ये छोटे छोटे कैमरे हमारे फ़ोन में आ जाते हैं, तो सब क्या होता है, यूज़ उनका पहले क्या होता था, वेब कैमरे लगे होते थे जो इसका, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते थे। ग्राफिक्स टेबल एंड डिजिटर्स, ये क्या है, ये ग्राफिक्स टेबल है, ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स, मतलब हम इस पर भी क्या करते हैं, पिक्चर बना सकते हैं और भी कुछ छोटे मोटे वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना माउस होता है ना ही कीबोर्ड का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक पेंसिल टाइप का क्या होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे हम उसी पे वर्क कर लेते हैं, ओके। टच स्क्रीन, तो जैसे आप देखते हैं क्या हमारी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन आप तो जानते हैं कि हम अपने मोबाइल पे क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे हम टच करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है, और लेकिन जो हमारी मॉनिटर जो खुल के आता है, ओपन होता है, वो क्या होता है, आउटपुट। तो ये टच स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन बोथ होती है, बोथ एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ओके। तो कंप्यूटर क्या होती है, ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस में टच का यूज माना जाता है। जैसे इसमें दिया है ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द स्क्रीन आउटपुट, जैसे हम जिसी लिखा है फिंगर को टच करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी इनपुट होती है, लेकिन जो जिस आइकन को हमने क्लिक किया जो ओपन होता है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट। ये दिया है लास्ट हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारा जिस पर हम वर्क करते हैं वो कहाँ जाता है, वो हमारे जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए,
जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करने के बाद तो क्या जाता है हमारा सीपीयू में, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो क्या करता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डाटा, कैलकुलेटिंग एंड अदर बहुत सी जो चीज़ें हम उसको जो वर्क जो भी वर्क करते हैं वो कहाँ जाता है, पहले जाता है सीपीयू में। तो हम उसको बोलते हैं सीपीयू, क्या बोलते हैं हम सीपीयू, हमारा जैसे मनुष्य का दिमाग होता है वैसे क्या है सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होता है ब्रेन, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है कनेक्ट होता है मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, जिसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, ये हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज को ये हमारा कवर हो गया है। इसको करना आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।